पिछले 20 साल में इसराइल पर इतना भीषण हमला कभी हुआ नहीं था। हमास ने इस बार इतना सटीक हमला किया है कि इसराइल की स्पेशल फोर्स तक चकरा गई है। इधर इसराइल की सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जंग में पूरा साथ देंगे। अब हालात ये हो चले हैं कि इसराइल के दुश्मनों को हराने के लिए वहाँ युद्ध वाली सरकार बनाने का फैसला हो गया है। ये युद्ध सरकार तब तक करती रहेगी जब तक कि इसराइल की जीत नहीं हो जाती। इसराइल का इंतकाम मिट्टी में मिला देंगे गाजा। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब अचानक इसराइल के दक्षिणी इलाके पर हमास ने 7000 रॉकेटों से एक साथ हमला किया। हमला इतना प्रचंड और तीखा था कि इसराइल की सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में ही नहीं आया कि हमास ने अचानक इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। शुरू के 60 मिनट तक इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के हमलों को समझने की कोशिश करती रही, क्योंकि दक्षिणी इसराइल के इलाकों पर हमास ने 3 तरह से हमला किया था, जमीन, आकाश और समंदर। हमास के चरमपंथियों ने यहूदियों के त्योहार योम के पूर के दौरान गाजा पट्टी से सरप्राइज अटैक किया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में 650 से ज्यादा इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं। इस वक्त इसराइल वॉर उस दौर में पहुंच चुका है जहां मरते दम तक इसराइल की सरकार युद्ध करेगी। इसराइल ने बनाई युद्ध सरकार। हमास ने ऐसे वक्त में इसराइल पर हमला किया है जिस वक्त इसराइल में प्रधानमंत्री पद को लेकर जबरदस्त उठापटक चल रही है, लेकिन हमास के हमले की वजह से इसराइल में सत्ता पक्ष और पूरा विपक्ष एक हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे विपक्ष के नेता और पूर्व इसराइली प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इसराइल जंग जीत नहीं जाता है तब तक युद्ध सरकार के जरिए हमास और हिजबुल्ला से जंग होती रहेगी। आपातकाल, मरते दम तक युद्ध। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के धुर विरोधी इसराइल की राजनीतिक पार्टियों ने बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा पट्टी से हमास का सफाया नहीं कर देंगे तब तक हम बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसराइल में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक इमरजेंसी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने कहा है कि हमें अब राजनीति को एक तरफ रखकर एक इमरजेंसी सरकार के पक्ष में रहने की जरूरत है जो दृढ़ संकल्प के साथ हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस अभियान को चलाएगी। लैपिड ने कहा कि जब तक पूरी जीत नहीं हो जाती है तब तक हम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देते रहेंगे। נפגשתי עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו. הודעתי לו שבמצב החירום הנוכחי אני נכון לשים בצד את כל המחלוקות
להקים איתו יחד ממשלת חירום מקצועית, מצומצמת, שתנהל את המערכה הקשה, המורכבת והממושכת העומדת בפנינו. इजराइल ने बनाई युद्ध सरकार। इजराइल में युद्ध सरकार बनाने के ऐलान के बाद से 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक भारी तोपखाने, टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से गाजा पट्टी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।